नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने महाशिवरात्रि पर मंदिरों की सुरक्षा पर कहा है कि महाशिवरात्रि को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जहां पर भी श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, विशेष रूप से शिवालयों पर, उसके सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ड्यूटी लगाई जाए। आज सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी शिवालयों का निरीक्षण करके वहां की व्यवस्था और मंदिर के जो पुजारी समन्वय स्थापित करें, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए महिला पुलिस की भी ड्यूटी लगाई जाए और मंदिरों में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक कर लिया जाए, जिससे सुरक्षित माहौल में महाशिवरात्रि संपन्न हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर व एसपी साउथ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, देखिए, आगामी त्यौहार महाशिवरात्रि को दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को और राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जहाँ पर भी श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, विशेष रूप से शिवालयों पर, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ड्यूटी चार्ट्स तैयार किया जाए। आज सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आज सभी शिवालयों को विजिट करके वहाँ की व्यवस्था और वहाँ पे जो मंदिर के यहाँ पुजारी हैं या वहाँ की व्यवस्था देखने वाले लोग हैं, उनसे समन्वय स्थापित कर लें। विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए वहाँ पर महिला फोर्स को भी लगाया जाए। सीसीटीवी कैमरास जो शिवालयों में या आने वाले रास्तों में जो लगे हुए हैं, उनको भी देख लिया जाए। एक सुरक्षित माहौल में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हो और सभी जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको सुगमता का एहसास हो, इसी के लिए सारी तैयारियां की जाए। कल जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, उसी के उपलक्ष्य में जो साउथ क्षेत्र के हमारे सभी नौ थाना क्षेत्रों में जितने भी शिव मंदिर हैं, सभी पे हमारी ड्यूटी रहेगी। और जो मेन मंदिर थाना बेलीपार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भवापार में जो शिव मंदिर है, वहाँ पर चूंकि मेला भी लगता है, काफ़ी भीड़ भाड़ रहने की वहाँ पे संभावना रहती है, वहाँ पे स्पेशल रूप से ड्यूटी लगाई गई है। आसपास के जो थाने हैं वहाँ से भी वहाँ फोर्स लगाया गया है। तो जो कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, उसको सकुशल संपन्न। आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने महाशिवरात्रि पर मंदिरों की साफ सफाई पर कहा कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है, शासन के निर्देश अनुसार जितने भी मंदिर हैं वहीं की साफ सफाई करवाया जा रहा है। इसके अलावा वहां पर पेयजल की व्यवस्था भी करवाया जा रहा है और नालों की साफ सफाई कराई जा रही है और लाइट की व्यवस्था भी करवाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, 8 मार्च को महाशिवरात्रि का दिन है और 8 मार्च को के दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक जो हमारे मंदिर हैं, खासतौर पे जो शिवजी शिवालय हैं, उन सबके आसपास हम साफ सफाई की व्यवस्था करा रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था जलकल के द्वारा कराई जा रही है, नालों की सफाई भी कराई जा रही है। साथ ही साथ पथ प्रकाश विभाग के द्वारा भी वहाँ पे समुचित लाइट की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने लोकसभा चुनाव पर कहा कि बिहार की सीमा के जो भी जिले हैं, इसके अलावा नेपाल के साथ महाराजगंज बॉर्डर पड़ता है, सभी जिलों के एसपी के द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है। इससे पहले की चुनाव में भी इस कार्य योजना को लागू किया गया था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जो कि संवेदनशील हैं और जो एंट्री रूट हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। इसमें अधिकतर स्थानों को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया है। जब आचार संहिता लागू होगी, उसके बाद यहां पर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे जिस पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहेगी और चेकिंग की जाएगी, वो चाहे तस्करी हो या पैसों का लेन देन हो, इन सभी चीज़ों पर नजर रहेगी। हम लोग ऐसे तत्वों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि सामाजिक माहौल बिगाड़ सकते हैं और कुछ लोगों पर जिला बदर की भी कार्रवाई की गई है। सभी जनपदों में लोकसभा चुनाव कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने कहा, ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जो बिहार की सीमा के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और नेपाल के साथ हमारा महाराजगंज का जो बॉर्डर पड़ता है, यहाँ पे संबंधित एसपी के द्वारा एक विस्तार से कार्य योजना तैयार की गई है, सुरक्षा की कार्य योजना। और इससे पहले भी जो चुनाव हुए है उसमें ये कार्य योजना लागू हुई है। सभी ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं गए हैं जो संवेदनशील है और जो एंट्री रूट्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें अधिकतर स्थानों को सीसीटीवी कैमरा से कवर किया गया है। इसके अलावा जब इलेक्शन की आचार संहिता लागू होगी, उसके बाद यहाँ पे चेक पोस्ट्स बनाए जाएंगे, बैरिकेड्स बनाए जाएंगे और 24 आवर्स इन सभी बैरिकेड्स पे पुलिस की तैनाती रहेगी और इसको मॉनिटर किया जाएगा, चेकिंग की जाएगी
जो भी चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल है, चाहे वो किसी भी तरह की तस्करी हो या कैश का मूवमेंट हो, इसको भी मॉनिटर किया जाएगा और लगातार राउंड द क्लॉक इन बॉर्डर्स पे चेकिंग होगी। इसके अलावा ऐसे तत्वों को भी आइडेंटिफाई किया गया है, असामाजिक तत्वों को भी आइडेंटिफाई करके उनको पाबंद और 110 जी में बाउंड डाउन किया गया है। कुछ लोगों को जिला बदर की भी कार्रवाई की गई है। तो इस तरह से इलेक्शन के दृष्टिकोण से पूरी तैयारियां सभी जनपदों में पूर्ण हो चुकी है। गोरखपुर मंडल में अपराध करके नेपाल भागने वाले अपराधियों को पुलिस पकड़कर भारत लाएगी, जिसके संबंध में डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि जब कोई अपराधी अपराध करके किसी और देश में जाता है तो उस देश के साथ जो संबंध होता है उसके अंतर्गत कोर्ट के आर्डर से एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से सूचना भेजी जाती है और संबंधित देश को उस अपराधी को पकड़ने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है और इसमें आगे की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा बॉर्डर पर भी हम मॉनिटरिंग करते हैं, यदि किसी के संबंध में सूचना प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। उन्होंने बताया कि नेपाल देश के अधिकारियों के साथ हम लोग हमेशा संवाद बनाए रखते हैं और समय समय पर उचित सहयोग प्राप्त होता रहता है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने कहा, जब कोई अपराधी भाग के किसी और देश में जाता है तो उस देश के साथ जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है उसके अंतर कोर्ट के ऑर्डर से इसको एक प्रॉपर चैनल से भेजा जाता है और संबंधित कंट्री को उनके प्रत्यापर के लिए रिक्वेस्ट की जाती है और इसमें आगे की कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा बॉर्डर पे भी हम लोग एलओसी और रेड कॉर्नर नोटिस के माध्यम से भी इसको मॉनिटर करते हैं और ऐसे अपराधियों के बारे में जिनके बारे में समय से सूचना प्राप्त होती है उनको डिटेन करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। साथ लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं और वो समय समय पे इस पे उचित सहयोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को देते हैं। रामगढ़ताल में चलने वाले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का कार्य 90% पूरा हो चुका है, जिसके संबंध में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के GM राकेश कुमार राय ने बताया कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का कार्य 90% पूरा हो गया है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द कार्य को पूरा करके 10 दिन के अंदर लॉन्च कर दिया जाए। इस पर नागरिकों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा एक साथ 200 लोग बैठकर पार्टी कर सकेंगे। खाने में वेज व नॉन वेज दोनों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हम लोग जो भी इसका रेट रखेंगे वो मध्यम वर्ग की सुविधा को ध्यान में रखकर रखेंगे, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। ये पूर्वांचल का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी लागत 10 करोड़ है, जो कि नवंबर से बन रहा है, जिसको जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के GM राकेश कुमार राय ने कहा, ये लगभग इसमें जो अपना कार्य है 90% तक कम्प्लीट हो गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके 10 दिन के अंदर इसको हम लॉन्च कर दें। सर, लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? ये लोग इस पे आएंगे, एंजॉय करेंगे, खाना पीना रहेगा, वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें रहेंगी इसमें। और जो भी आएगा, जो भी इसके हम प्राइजेस रखेंगे, ये एक मध्यम वर्ग को देखते हुए रखेंगे, ऐसा रखें कि इजिली सारे लोग इसको अफोर्ड कर सकें। सर, क्या पार्टी वगैरह शादी विवाह भी होगा? हाँ, पार्टी हो सकती है उसमें, आराम से 150 से 200 लोगों की पार्टी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। सर, लगता है पूर्वांचल में हमको लगता है पहली बार ऐसा कुछ लोग। जी 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 जी, ये पूर्वांचल के लिए हमारे लिए गौरव की बात है। पूजनीय महाराज जी के ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको हम लोग बना रहे हैं, तो ये पूर्वांचल का आपका पूर्वांचल के हम कोशिश करेंगे कि पूरे UP में ये सबसे बढ़िया रहे हमारा। सर, कितनी लागत से बन रहा है? इसकी लागत लगभग 10 करोड़ आई है बनाने में हमें। सर, कब से कब तक बन रहा है अभी? ये नवंबर से बन रहा है और अब ये लॉन्च हो जाएगा। अब इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि इसको हम 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर लॉन्च करें।